यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में सीतापुर की प्रियांशी सोनी ने अपनी प्रतिभा का जलवा प्रदेश स्तर पर दिखाया है। प्रियांशी ने यूपी बोर्ड की 10वीं परीक्षा में टॉपर बनने के बाद कहा कि इसी प्रकार के रिजल्ट की उम्मीद थी, हमारी उम्मीद पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि इस परिणाम के लिए मेहनत की थी। उन्होंने ये भी बताया कि एक लक्ष्य को लेकर चली थी, उसे पूरा करने में सफलता मिली है। बता दें कि प्रियांशी सोनी ने सीतापुर के सीता बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद से 10वीं की पढ़ाई की। प्रियांशी ने मीडिया एजेंसी एनआई से बात करते हुए कहा कि अपने परिवार और स्कूल का मैं धन्यवाद करती हूं। उन्होंने आगे कहा कि पिता की मौत के बाद भाई ने कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। प्रियांशी सोनी ने 98.33% अंक हासिल किए। उन्होंने 600 अंक की परीक्षा में 590 अंक हासिल कर प्रदेश में अपना नाम रोशन किया। प्रियांशी ने कहा, मैं आईएएस अधिकारी बनना चाहती हूँ, इसके लिए मैंने खुद के लिए एक लक्ष्य तय किया है और पढ़ाई शुरू की है। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे, ये सब कुछ मतलब मेरे पेरेंट्स और मेरे कॉलेज से ही है कि हाँ, मैं इस मुकाम को हासिल कर पाई। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सबको। बहुत समर्थन था मेरे घर पे, मेरी मम्मी और मेरे भैया भाभी हैं। किसी ने भी मतलब कोई काम का बर्डन नहीं रहता था, केवल पढ़ाई करो, कोई वो नहीं था। बहुत ज्यादा मैं मतलब थैंकफुल हूँ अपने घर के लिए। प्रियांशी सोनी अपने उन दिनों को याद करते हुए भावुक हुई जब वो 5 साल की थी और उनके पिता का निधन हो गया था। इसके बाद उनके बड़े भाई शोभित सोनी ने उनकी पढ़ाई का इंतजाम कराया। शोभित ज्वेलरी शॉप चलाते हैं। प्रियांशी कहती हैं कि हमें सोशल मीडिया का कोई शौक नहीं है, हमने किसी भी सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है। बता दें कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा में इस बार 89.78% विद्यार्थी पास हुए हैं। लड़कियों ने एक बार फिर 10वीं की परीक्षा में बाजी मारी है। 10वीं में लड़कियों का पास प्रतिशत जहां 93.34% रहा, वहीं 86.64% लड़के पास हुए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें।